जो आज पढ़ना है उसमें हम लोग क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिसिपल। पिछली वीडियो में आपको एक टॉपिक छूट गया था जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, वैसे कहा जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब जानते हैं यूनिवर्सल होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब सार्वभौम। अब एक चीज आप लोग जानते भी हैं, सार्वभौम सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जैसे कहा गया डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे समझ नहीं, ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे कहा गया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे पार्टिसिपल की, ठीक है, इस पार्टिसिपल में कभी कभी क्या होता है, हमने बताया था पार्टिसिपल की कंडीशन कि एक ही सब्जेक्ट के साथ दो क्रियाएं होती हैं, दोनों क्रियाओं के टाइमिंग में अंतराल होता है तो पार्टिसिपल बनता है। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ठीक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह एक क्रिया का दूसरी क्रिया से यूनिवर्सल संबंध होता है और एक स्वतंत्र होती है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक, जैसे लिखा गया, मान लीजिए हमने लिखा द वेदर वाज फाइन, मौसम क्या था अच्छा। आगे लिखा गया पीपल वेंट आउट फॉर जॉय, लोग आनंद के लिए कहां निकले बाहर। अब देखिए क्या है कि ये जो टॉपिक हमारा ए वाला सब्जेक्ट है ये क्या है यूनिवर्सल है और इसके इसके ऊपर ए आपका क्या हुआ डिपेंडेंट हुआ, तो हम एब्सोल्यूट किसको बनाते हैं इसको। अब देखिए अगर बी वर्ब है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बी वर्ब बताया गया था इज एम आर वाज वर, तो इसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? बीइंग में। अगर हम बीइंग में चेंज कर देंगे तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, और इसका सब्जेक्ट एब्सोल्यूट होता है, सार्वभौम होता है, इसलिए सब्जेक्ट कभी हम हटाएंगे नहीं और आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा द वेदर बीइंग फाइन। ठीक, वेदर बीम का फाइन, अब आपका कामा कर दिया गया। देखिए ये आपका क्या बन रहा है ना, फ्रेज भी बन रहा है, क्योंकि सारी चीजें आपको बताए हैं। अब एक से एक चीज ग्रामर का आपस में जुड़ती जाएगी, एक फ्रेज बन गया और इसको आपने जोड़ दिया किससे, पीपल बेंट आउट फॉर जॉय। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया और इसमें पार्टिसिपल बना, लेकिन वो पार्टिसिपल आपका किस प्रकार का है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ओके, ऐसे मान लीजिए अगला एग्जांपल लिखा गया आपका मेनी हैविंग अराइव्ड बी वर फ्रीड फ्रॉम एनॉक्सिटी। देखिए हम अगला एग्जांपल आपका लिखते हैं और वो एग्जांपल है आपका लिखा गया मेनी पीपल, अगला एग्जाम्पल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का दूसरा एग्जाम्पल, मेनी पीपल अराइव्ड। ठीक है, इसके बाद लिखा गया वी वर फ्री फ्रॉम एनॉक्सिटी, मतलब बहुत से लोग क्या हो गए आ गए और हम लोग चिंता क्या हो गए, चिंता से मुक्त हो गए। बहुत लोग आ गए और हम लोग चिंता से क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब क्या हुआ, चिंता से मुक्त होने का जो यूनिवर्सल कारण था बहुत से लोगों का क्या
आना। तो यहां पर आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। अभी तो दो सेंटेंस है, देखिए एक वर्ब यहां पर है एक वर्ब यहां पर है, इसका सब्जेक्ट अलग है इसका सब्जेक्ट अलग है। तो अब देखिए जहां पर सामान्य वर्ब रहती है वहां पर हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, और जब बी वर्ब रहेगी तो आपको बताया थे किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। ठीक, तो इसका हो जाएगा मेनी पीपल हैविंग अराइव्ड, कॉमा कर दिया गया, एक फ्रेज बन गया। इसके बाद क्या हो गया, वी वर फ्री फ्रॉम एनोक्सिटी, आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। देखिए फिर हमने बताया ये आपका फ्रेज बन गया। अब बार बार आपको फ्रेज क्यों कह रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग, फ्रेज इसलिए कह रहे हैं कि फ्रेज को हम क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही क्लास में कन्वर्ट करेंगे आपका क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लास बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अगला ऐसे ही सेंटेंस लिखा गया, जैसे मान लीजिए गॉड विलिंग वी सेल हैव अनदर गुड मॉन्स्टर। ठीक, देखिए मान लीजिए अगला हम एग्जाम्पल सिंपल से लेते हैं जो आपको मान लीजिए परिचय से कराया गया। जैसे लिखा गया द सन, ठीक है, राइजेस पोल स्टार इन द ईस्ट लगा लीजिए, पोल स्टार द वर्ड बर्ड ही लिखे, विगन टू चिप, विगन्स कर लीजिएगा, बर्ड जो कि लिखे विगन टू चिप मतलब चहचहाना शुरू कर देती है। द वर्ड का मतलब हमने होल वर्ड के सेंस में यहां पर यूज कर लिया। अब इसको क्या करेंगे आप, इसका करेंगे द सन हैविंग राइजन इन द ईस्ट। ठीक, क्या हो गया, द सन हैविंग बीन हैविंग राइजन इन द ईस्ट, पहले स्टॉप कॉमा कर लीजिए इसका, द वर्ड कर लीजिए लिखेगा वेगन्स टू चिप, आपका क्या हो गया, ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तैयार हो गया। आई सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और लिखा गया, द प्रिंसिपल ठीक रेस्ट इन द क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स बिकेम क्या हो गया, साइलेंट। क्या हो गया, साइलेंट, अब क्लियर हो गया आपका। अब इसका क्या होगा, क्योंकि यहां पर भी रीच लगाया गया, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल हैविंग रीच्ड इन द क्लास, और इसके बाद आप अगला सेंटेंस लिख लीजिएगा, आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, सेंथेसिस का काम आपका हो गया। और यही चीज आपका ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछता है कभी कभी कि दो सिंपल सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, आपको दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल के तहत भी कभी कभी आता है, सिंथेसिस में तो मान लीजिए आता ही है। अगला है, कभी कभी क्या होता है ना, यही सेंटेंस मान लीजिए पैसिव वॉइस में जब देता है तो पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया द थीप ठीक है, इसके बाद लिखा गया क्या, वॉच कार्ड, द थीप वॉज कार्ड, फुल स्टॉप, पीपल बिकेम हैप्पी, देखिए लोग खुश हुए और उसका कारण क्या था, चोर का पकड़ा जाना।
और ये देखिए वाज कार्ट लिखा किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा कार्ट मतलब पकड़ा गया, ये पैसे वाइस में है, इसको आप ऐसे लिखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो बनेगा आपका द थीफ, ठीक हैविंग, अब बी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बेन कार्ट, पैसे में बन गया आपका कॉमा, इसके बाद देखा गया पीपल बिकेम हैप्पी, आपका ये सेंटेंस तैयार हो गया। ये आपका रिलेटेड था किससे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम तब बनाते हैं जब एक कर्ता का दूसरे कर्ता से यूनिवर्सल संबंध होता है, मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया से यूनिवर्सल संबंध होता है, तो वहां पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो ये रिलेटेड था आपका किससे, पार्टिसिपल का टॉपिक था, लेकिन पार्टिसिपल के तहत आपको नहीं बताया जा सका था, इसलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हमने अलग वीडियो आपको बताया, ठीक है। देखिए अब इसी के साथ जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में है, दो टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो है आपका जेरंड एंड इन्फिनिटिव, ठीक है, इसको आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, आया समझ में। और एक आता है स्प्लिट पार्टिसिपल, कि मतलब पार्टिसिपल में एक मिस्टेक होता है कभी कभी, उसको कैसे दूर करते हैं, उसको भी आपको बताया जाएगा। जैसे कह दिया गया आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन फुल स्टॉप, अ स्नेक बाइट मी, ऐसे ही मान लीजिए आपका सेंटेंस आता है, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, लिख लीजिए फुल स्टॉप, अ स्नेक लिखा गया बिट मी। चलिए अब इसका क्या है ना, कभी कभी क्या होता है हम लोग गलती कर जाते हैं, यहां पर हो जाता है, आप बना लेते हैं पार्टिसिपल की तरह वॉकिंग इन द पार्क, ठीक है, अ स्नेक, ठीक है, यहां पर लिखा गया बेट मी, अब गलत हो गया, मतलब सांप टहल रहा था और मुझे काट लिया, जबकि मैं टहल रहा था सांप ने मुझे काट लिया। और इसको करेक्ट करने के लिए हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं, और आपका ये सही हो जाता है, आपका हो जाता है व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, ठीक, अकामा इसने बैठ मी, तो ए लगा करके हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कभी कभी प्रीपोजिशन का काम करता है, सिंपल भी हो जाता है। तो इसे आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, बाकी किताब से पढ़ेंगे आप लोग, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो उसको आप लोग जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।